नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें जो बाराबंकी से आ रही है, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 18 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सड़क के किनारे खड़ी वॉल्वो बस में ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे 18 लोगों की मौत हो गई। करीब 24 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। बाराबंकी में दर्दनाक हादसा हुआ है। बस ट्रक की टक्कर में 18 लोगों की मौत हो गई है। सड़क के किनारे खड़ी थी बस, जब तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से ही हादसा हो गया। हादसे में 24 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। हरियाणा से बिहार जा रही थी ये बस। बस में 115 लोग सवार थे। बस में दरभंगा और अररिया की यात्री सवार थे। बाराबंकी के रामसनेही थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर यह दुर्घटना हुई है। घायलों को रेस्क्यू में जुटे पुलिस टीम इस वक्त भी लगातार घायलों को निकालने का प्रयास कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देर रात ये हादसा हुआ है। बारिश भी इस वक्त प्रदेश में कई जगहों पर हो रही है। और अब ये बड़ा हादसा जिसमें 18 लोग मारे गए हैं। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से यह हादसा हुआ है। और वॉल्वो बस में, खड़ी वॉल्वो बस में ट्रक ने टक्कर मारी, जिसमें 18 की मौत हो गई है। 24 लोग घायल हैं। करीब 115 लोग इस बस में सवार थे, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से खड़ी बस में ट्रक ने टक्कर मारी है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से लगभग 18 लोगों की मृत्यु तो हो चुकी है। इस दुखद घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस सक्रिय होकर हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं कि इनको सही चिकित्सा की सुविधा मिल जाए, और बाकी शेष कार्रवाई भी की जा रही है। उस स्टैंड में ढाबा में हम लोग को बचवाया, और वहाँ से लोकल स्टैंड है, वो ऐसे बना हुआ नहीं, लोकल स्टैंड है। वहाँ पे ऐसे गाड़ी लगता है। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में 115 आदमी था सर। अच्छा, 115 आदमी। कहाँ जा रहे हो? ये कहाँ जा रही है सर? ये दरभंगा से जाएगी यहाँ पर अररिया। अच्छा। अररिया जिला और दरभंगा। अच्छा। पहले फर्स्ट नंबर में दरभंगा जाएगा। अच्छा, ये बताओ यहाँ पे कैसे एक्सीडेंट हो गया? ये बताएंगे सर, जैसे कि गाड़ी में कुछ खराबी हो गया, ये लेबर और ये चलाने वाला और इसका आदमी, ये बोला कि भाई साहब आगे पीछे जो है नहीं बैठना, और मैं जा रहा हूँ सामान ठीक कराने के लिए। 10-15 मिनट के अंदर में या आधा घंटा के अंदर में मैं लौट के आऊंगा, तब तक सारे आदमी बैठना। वो गया उधर से, सारे आदमी इधर में सो रहा था, कुछ 10-20 आदमी इधर पीछे था, नहीं बाकी आदमी यहाँ से लेके यहाँ तक लंबा में सब सोया था। बस सर इतना ही में आप, ये गाड़ी इधर से आया, पीछे से आया, और इसमें जैसे धक्का लगा सर, हम भी फंस गया था इसी में। कितने लोग मरे होंगे? अब कितना, कम से कम 30-35 लोग तो जरूर मरे होंगे। अच्छा, हाँ, दो ढाबा है, दोनों ढाबा में आदमी मेरा ठहरा हुआ है। आप गिनती कर लीजिएगा, और गिनती करके आप उतना। बारिश हो रही थी यहाँ पे काफी तेज? उस टाइम में बारिश नहीं हो रही, जब ये सारे चीज हो गया फिर बारिश हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है सर भरत। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनिरुद्ध शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिरुद्ध, इस वक्त क्या स्थिति है? क्या सभी घायलों को बाहर निकाल लिया गया है, अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है? मृतकों की संख्या क्या है, घायलों की संख्या क्या है? देखिए नीलू, ये अभी तक की बात करें तो कुल 18 लोग की इसमें डेथ हुई है, और तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं, और जो घायल हैं उनको लखनऊ ट्रामा सेंटर जो है रेफर कर दिया गया है। कुछ अन्य लोग थे जो मामूली रूप से घायल थे, उनका यही जो स्वास्थ्य केंद्र था जिले का, वहां पे उनका उपचार कराया गया। सबसे बड़ी बात नीलू ये है कि तकरीबन सुबह शाम को 7 बजे का ये पूरा मामला है। 7 बजे जो ये बस थी, जो बस आपका हरियाणा से बिहार तक जा रही थी, बस वो रास्ते में 7 बजे तकरीबन रामसर घाट क्षेत्र में खराब होती है। उसके बाद तकरीबन 12:45 बजे तक की ये पूरी घटना है, जब 12:45 बजे एक ट्रेलर जो है वो पीछे से आकर एक टक्कर मारता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस घटना के पीछे एक बात सबसे बड़ी ये भी है नीलू कि इस जो नेशनल हाईवे है, लगभग 65 किलोमीटर का ये हाईवे है, यहाँ पेट्रोलिंग समय समय पर करी जाती है। वो पेट्रोलिंग क्यों नहीं करी गई? क्यों इतनी देर तक ये बस यहाँ खड़ी थी? क्यों इनकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा? इस बस में सबसे बड़ी बात ये थी कि इस बस का एक्सल जो था वो खराब हो गया था, जिसके बाद तमाम जो बस में जो सवार थे लोग, वो बस के नीचे, बस के ऊपर, और कुछ लोग बस के अंदर जो थे वो आराम कर रहे थे।
जिसके कारण ये पूरी घटना हुई। जब जिस ट्रेलर ने ठोकर मारी तो उसके बाद तमाम जो लोग थे कुछ लोग की मौके पे 10 से 11 लोग की मौके पे मौत हो गई थी। उसके बाद कई जो लोग थे अन्य जो लोग थे उनको अस्पताल लाते समय उनकी मौत हो गई। तो सबसे बड़ी बात ये भी है नीलू कि इतना लंबा वक्त जो लगा उस लंबे वक्त में उस दरमियान बिल्कुल पेट्रोलिंग की बात हो रही है कि उस पूरे हाईवे पर 65 किलोमीटर का ये हाईवे है और वहां पर किस तरह से पेट्रोलिंग होती है, लेकिन इतना वक्त हो गया 7 बजे शाम में ये बस खराब हुई और 12:30 बजे रात की ये घटना है जब एक ट्रक ने इस बस को टक्कर मारी है। और बाराबंकी हादसे पर सीएम योगी ने भी दुख जताया है। अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिए हैं कि मौके पर पहुंचे, घायलों की मदद करें, घायलों का इलाज कराने के निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं। मृतकों को आर्थिक मदद देने के भी निर्देश सीएम योगी की तरफ से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है, अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर घायलों का समुचित इलाज और मृतकों को आर्थिक सहायता देने का निर्देश भी दिया है। और हम कोशिश करेंगे कि एसपी यमुना प्रसाद से भी हमारी बातचीत हो जाए ताकि स्थिति का किस तरह से वहां पर स्थिति है, किस तरह से रेस्क्यू का काम चल रहा है। जैसे उनसे बातचीत होती है हम अपने दर्शकों से उनकी बातचीत सुनाएंगे, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि एसपी साहब से भी बातचीत हो जाए। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 7 बजे शाम में ये बस खराब होती है, लेकिन 12:30 बजे ये हादसा हुआ। इस बीच में लगातार जिस तरह से अनिरुद्ध बता रहे हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता, वो बता रहे हैं कि इतने लंबे अंतराल में भी वहां पर किसी तरह की कोई पेट्रोलिंग नहीं हुई, वरना समय से मदद मिल जाती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और इस वक्त लखनऊ से अजीत सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, सीएम योगी ने इस पूरी घटना पर दुख व्यक्त किया है, किस तरह के निर्देश इस घटना को लेकर सीएम योगी की तरफ से? देखिए बिल्कुल नीलू, मुख्यमंत्री की तरफ से तत्काल घटना का संज्ञान लिया गया और डीएम एसपी सीएमओ को कहा गया मौके पर जाएं और जो भी घायल हैं उनके समुचित इलाज कराया जाए, जो मृतक हैं उनके परिवार को सहायता राशि दिया। इसके साथ ही जो लोग जहां जहां से आते हैं, हरियाणा से आ रहे थे, बिहार की तरफ जा रहे थे, उनके परिवार वालों से संपर्क किया जाए, उनको साधा जाए, उनकी इसकी सूचना दी जाए और जो 18 लोग ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं उनकी समुचित इलाज के लिए उन्होंने मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों को भी निर्देश दिया। और सीएम ने कहा कि इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं जो लापरवाही है उसकी भी बात की है और ये कहा है कि अधिकारियों से कि इस पूरे मसले की जांच की जाए, जो ड्राइवर फरार है उसकी गिरफ्तारी की भी बात कही है। तो मुख्यमंत्री ने पूरी घटना का संज्ञान लिया और कहीं ना कहीं जो अनुरोध बता रहे थे लापरवाही जरूर आई है, पेट्रोलिंग क्यों नहीं हो रही थी, ऐसे हादसे जब होते हैं तब वहां के प्रशासनिक अधिकारी चेतते हैं या पुलिस प्रशासन चेतता है तो पेट्रोलिंग होनी चाहिए थी और ये बड़ा हादसा जिसमें 18 लोगों की जान गई है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया है, साथ ही लापरवाही किस स्तर पर हुई है उस पर भी जांच के आदेश दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 7 बजे से लेकर 12 बजे तक ये बस एक जगह पर खड़ी रही, लेकिन किसी ने इसकी सुध नहीं ली कि आखिर दिक्कत कहां है, पेट्रोलिंग टीम कहां थी, बहुत सारे ऐसे सवाल इस हादसे के पीछे। अनिरुद्ध इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, इस वक्त स्थिति क्या है और कहां पर जहां पर यह दुर्घटना हुई है वो किस तरीके का इलाका है? लेकिन इलू ये बता दूं कि ये रामसनेही घाट का ये मेन हाईवे था। ये हाईवे जो है ये अयोध्या को कनेक्ट करता है, बाराबंकी की तरफ से ये अयोध्या की तरफ जा रही थी, हरियाणा से बिहार ये जो बस थी ये डबल डेकर बस थी ये बस जा रही थी। और जब ये घटना हुई तो ये प्रमुख मार्ग था, इस मार्ग से सबसे बड़ी बात यह कि जिस जगह घटना हुई उससे थोड़ी पहले ही जो है हाईवे पे ढाबा भी पड़ता है। तो ये एक और बड़ी बात है कि ढाबे के पास हाईवे से सटे जो ढाबे हैं वहां पे क्यों नहीं पेट्रोलिंग करी जाती थी, क्यों, ये भी एक सबसे बड़ी वजह है कि वहां पे रास्ते पे जो गाड़ियां खड़ी रहती है उसकी वजह से भी इस तरीके का हादसे अमूमन देखने को मिलते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे नीलू यही आ रही है कि बड़ी लापरवाही है जो लोकल वहां की पुलिस थी, जो पेट्रोलिंग करने वाले लोग थे जिनकी ड्यूटी वहां पे लगती थी, वो क्यों इतने समय तक वहां नहीं गए, क्यों ये देखने की जरूरत नहीं समझी कि क्या वहां पे समस्या थी। बस का एक्सल जो था वो टूटा था जिसकी वजह से ये पूरा हादसा सामने आया है, देखने को जो मिल रहा है। बस देखो आने में तो कहा जा रहा है इसमें 115 लोग मौजूद थे और ज्यादातर मजदूर बताए जा रहे हैं, क्या इसमें महिलाएं भी शामिल थी? देखिए नीलू, ये बेसिकली ये लोग बिहार के रहने वाले लोग थे, ये लोग पंजाब हरियाणा में खेती जहाँ पे होती थी खेती के लिए ये लोग वहाँ पे जाते थे और उसके बाद ये लोग अपने
घर चले जाते थे, तो वहीं से ये लोग लौट के आते थे। उस वक्त तमाम लोग हरियाणा से सवार हुए थे, तमाम लोग पंजाब के थे, अलग अलग जगहों के बताए जा रहे थे। और इसमें तमाम महिलाएं भी थी, इसमें जो आदमी भी थे, ये सब एक साथ सवार कर रहे थे। इससे पहले भी हरियाणा के आसपास एक और बस थी जो बस खराब हुई थी, जिससे उतर करके जो यात्री थे वो यही यात्री इस बस में बैठा ले गए थे। इससे पहले भी ये बस खराब हुई थी, उसके बाद यहाँ बाराबंकी पहुंचने पर इस बस का जो एक्सल था वो एक्सल खराब हो गया था, जिसके बाद वहाँ पे जो ये यात्री थे, जो इसमें सवार लोग थे, जो लेबर थे, जो मजदूर जो थे, वो वहाँ पे आराम कर रहे थे। सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक इस ये दुर्घटना है, क्योंकि कई इसमें जो यात्री थे, जो मजदूर थे, वो बस के नीचे आराम कर रहे थे, क्योंकि बरसात का समय था। तमाम लोग जो बस से बाहर निकल आए थे, कुछ लोग बस के निकट जो ढाबा था वहाँ पे खाना खा रहे थे, और कई लोग बस के अंदर थे। तो जब पीछे से ट्रेलर ने टक्कर मारा तो कुछ दूर तक ये बस को लोग बस रगड़ते हुए गई, और उसके नीचे जो यात्री थे, जो लोग लेटे हुए थे, उनकी दर्दनाक मौके पर ही मौत हुई। बेहद दुखद। और सबसे बड़ी बात ये है अनिरुद्ध, जिस तरह से आपने बोला कि आराम कर रहे थे, कुछ बस के नीचे थे, कुछ ऊपर थे, कुछ उसके अंदर मौजूद थे, ऐसे में किस तरह से ये जो ट्रक का ड्राइवर है, क्या झपकी आ गई या किस तरह की बात निकल कर आ रही है, और ट्रक का ड्राइवर क्या अभी तक पुलिस की गिरफ्त में है? देखिए, क्योंकि नेशनल हाईवे है, तमाम बार ये देखा गया है कि रैश ड्राइविंग के चलते या अन्य कारणों के चलते, और क्योंकि बरसात भी थी तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसके चलते ये एकाएक घटना हुई, क्योंकि काफी रफ्तार से ये ट्रेलर आ रहा था, तो कई बिंदु है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद, इस घटना के बाद जो मौके से ड्राइवर था वो वहां से फरार हो गया, तो हालांकि पुलिस उस एंगल को भी देखेगी, उसको भी ढूंढने का प्रयास किया जाएगा, उसको भी देखेगी। पर सबसे बड़ी बात यहां पे यही है, जो घटना हुई है, जिस घटना में जो लोग, जिनकी दर्दनाक मौत हुई है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, इसका जिम्मेदार कौन होगा, और ये तय करना पड़ेगा, और फिर इसके बाद कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। अनिरुद्ध, एक सवाल ये भी कि फिलहाल क्या सारे लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बस के अंदर फंस गए थे लोग, उनको निकालने में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी है, तो क्या सबको अब बस से बाहर निकालकर हॉस्पिटल में जो भी घायल है उनको भर्ती करा दिया गया है, और क्या कुछ की हालत क्रिटिकल भी है इस वक्त? देखिए नीलू, लगभग 12:45 के बीच की ये घटना थी, उसके बाद जैसे ही इस घटना के बारे में जो आला अफसर थे उनको पता चला, तो आनंद फानंद में सारे अधिकारी पहुंचे वहां पे, और जो रेस्क्यू किया गया, तकरीबन 3-4 घंटे का ये रेस्क्यू किया गया वहां पे। तमाम जो अधिकारी थे उन्होंने पहुंच करके जो लोग अंदर फंसे हुए थे, तमाम जेसीबी का और भी अन्य चीजों का इस्तेमाल करके उन लोगों को निकाला गया। अभी तक की अगर बात करें मौके की, तो अब स्थिति वहां की, वहां से सारे लोग निकाल लिए गए, रेस्क्यू कर लिया गया है। जो लोग की हालत ज्यादा क्रिटिकल थी उनको लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है, और जिन लोगों की जो छोटी मोटी, जिनको चोट लगी थी या जो इस बस के बाहर थे और उनको भी उससे इफेक्ट हुआ, चोट लगी, तो उनको स्थानीय वहां का जो CSC BSC था वहां पे उनका इलाज करा करके। ठीक है अनुरी, तो आप हमारे साथ बने रहिए, इस पर हम आपसे बातचीत करते रहेंगे, और उसके हिसाब से भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत हो जाए, ताकि स्थिति इस वक्त किस तरीके की है उसका भी पता चल जाए। और आप हमारे साथ बने रहिए, और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं।